इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना इंदौर के नंदा नगर इलाके की है, जहां पर स्कूल में मार्कशीट लेने गए 11वीं के छात्रों का कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था। आज फिर उसी बात को लेकर स्कूल में छात्रों का आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद स्कूल के गार्ड ने उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया। उसके बाद बात करने के लिए सभी छात्र सुगनी देवी मैदान पर पहुंचे, जहां विवाद इतना बड़ा कि एक छात्र ने अन्य तीन छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 11वीं कक्षा के शिवम चौहान की मौत हो गई। वहीं दो छात्र नितिन और नरेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी छात्र फरार हैं। अभी परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वाकया हुआ है, जिसमें कुछ स्कूल के छात्र हैं, उनके आपसी बीच में कुछ एक ऐसी घटना हुई जिसमें चाकूबाजी हुई है। और उसमें एक जो बालक है, बताया जा रहा है, वो अभी ख़त्म हो गया है, और बाकी दो अन्य छात्र हैं वो घायल हुए हैं। अभी प्राइमरी तौर पे ये बात पता चली है कि कुछ महिला मित्र को लेके कुछ इनके बीच में आपसी विवाद हुआ था। स्कूल में आज ये मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए गए थे, वहाँ पर इनका कुछ विवाद थोड़ा बहुत हुआ। वहाँ पर से इनको जब गार्ड द्वारा भगाया गया तो ये वहाँ पर सुगनी देवी ग्राउंड के पास में एक जगह पर यहाँ पर वार्तालाप करने के लिए रुके, और वहाँ पर इनके बीच में विवाद हुआ। तो एक व्यक्ति है जो तथाकथित तौर पर अभी फिलहाल जब बताया जा रहा है कि अभी नाबालिग है, वो भी छात्री है, तो उसके द्वारा चाकू से वार किए गए तीन लोगों पे, जिसमें से दो व्यक्ति घायल हुए हैं और एक व्यक्ति जिसको शिवम चौहान करके हैं जो मृतक हैं, उनको गर्दन पे चाकू के वार से वो वार उनके लिए फेटल साबित हुआ और वो अस्पताल में ले जाते हुए वो मृत हो गए हैं। अभी हम लोगों ने हमारी टीम्स एक्टिवेट कर रखी हैं और हम जानकारी निकाल रहे हैं, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अब कल्प्रिट को हम कोशिश करेंगे आपके हम अरेस्ट करें। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में साथ पढ़ाई करते हैं और किसी महिला मित्र से बात को लेकर इनका विवाद चल रहा था। सभी आरोपी नाबालिग हैं। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें भेज दी गई हैं।